दो कई बार बच रहा है जी? कहा सर, दो और बचा। मैं डाटा खत्म कर दिया मैं को, वो कई बजे कीजिएगा जी? एकदम केयरलेस हो गया। देखो शैतान, क्या आपको पढ़ा रहा है बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है वो भी बता दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, सारा कंडीशन आपको बता दिए हैं ना? ठीक सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी नॉर्मल क्वेश्चन था फैक्टर के द्वारा बाबू, आपका बाबू अल्फा बीटा करके, वो भी सारा बता दिए। अगला लास्ट टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाबू वर्ड प्रॉब्लम। क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम? मतलब बाबू आपको सेंटेंस दे रहेगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद बाबू बन जाएगा तो फिर एक्स की वैल्यू निकाल देना है ना। तो सबसे बड़ा दिक्कत है बाबू वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने के लिए बाबू आपको बेसिक बेसिक टर्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए है ना। बेसिक बाबू, अगर बेसिक टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी वर्ड प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एक वर्ड बाबू बाहर नंबर में आपको आएगा कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। लगातार कहने का मतलब क्या भोला? जैसे बाबू कहेगा बाबू क्या, शांति से समझो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बाबू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना पढ़ेगा जी। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ना। यहां तक तो बात समझ में आ गया। जैसे क्या कहेगा? कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कंजेक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर अगर कहेगा भोला मेरा, कोई बोल देगा कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप कहीं से भी, मान लो 10 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 से बाबू कहेगा 5 कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 के बाद अगला नेचुरल नंबर 11, 11 के बाद अगला 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, है ना। मतलब बाबू कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। जैसे कहेगा 5 को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बताओ, तो 5 को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होता तो क्या बोलेगा? कुछ 5 को बोल सकता है 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। अगर नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो कहीं से 5 को लगातार बोलना। ठीक, अगर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कहेगा, क्या कहेगा? कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कहेगा। तो कंजेक्यूटिव ऑड नंबर अगर कहेगा भोला, चाहे इवन नंबर कहेगा, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तब ना। कंजेक्यूटिव बाबू कह दे ऑड नंबर, तो कंजेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या सर? ऑड नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं है। मान लो हम 5 से स्टार्ट किए, तो 5 के बाद कंजेक्यूटिव मतलब लगातार, तो 5 के बाद अगला ऑड नंबर को 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, है ना। ऐसे करके 16, मतलब जो कह रहा है उसका ऑड नंबर कहेगा, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कहेगा। तो आप स्टार्ट बार बार वो स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो सर। 15 से स्टार्ट करो, 17 से, 19 से, कुछ नहीं, लेकिन जो भी स्टार्ट होगा वो उसके बाद लगातार ऑड नंबर ही रहना चाहिए। बीच में नहीं ऐसा कर दे वो कि 5 है और फिर बाबू 9 हो गया, 5 के बाद 9, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद एक वो और आता है 7, तो ये कंजिक्यूटिव नहीं होगा। तो बेसिक अब मतलब समझोगे ना, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक, अगर कंजिक्यूटिव इवन नंबर कहेगा तो क्या लेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, 16, 18, ऐसे करेगा। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भोला? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ना। तो नेचुरल नंबर कहेगा तो नेचुरल नंबर लगातार लेना, ऑड नंबर कहेगा ऑड लेना, इवन नंबर कहेगा इवन लेना, यही लोगे ना? हाँ सर, यहाँ तक तो सब बात समझ में आ जाता है। सो मैं वीडियो ऑन करो, मैं को ऑन कीजिए। अब आगे की कहानी, अब आगे क्या कर रहा बाबू? वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो प्रॉब्लम को पढ़ के भोला उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो फिर एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे बता चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज बाबू 333। मतलब दो को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना है? 333, 313 है।
तो कह रहा है नंबर फाइंड आउट करो, मतलब क्या करा क्वेश्चन में, मान लो दो गो बाबू कोई नेचुरल नंबर है ना, बोला कोई दो गो नेचुरल नंबर है, आ क्या है कंजेक्यूटिव है, मतलब जब भी नेचुरल नंबर होगा लगातार होगा, जैसे मान लो 10 ले लो 11 ले लो, तो ये दोनों नेचुरल नंबर क्या कंजेक्यूटिव। अब इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो आप प्लस 11 का स्क्वायर करो, दोनों नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद सम करो, तो 100 आप प्लस बाबू 121 है ना भोला। हाँ सर ठीक, तो 121 ही कितना हो जाएगा भोला, ये हो जाएगा 221, आया 313 ने आया जी, नहीं ना आया बाबू, नहीं आया, मतलब ये बाबू आंसर क्या होगा 10 11 नहीं होगा, बात समझो। एक कॉन्सेप्ट कैसे टैकल करो वो सीखो, आपको क्वेश्चन क्या करा दो गो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर करो उसके बाद जोड़ो, करने के बाद कितना आना चाहिए 313 आना चाहिए, तो 10 11 ले रहे हैं सर तो नहीं आया है ना, तो ऐसे बनाएंगे नहीं, वैसे करके वो देखो 12 13 लो, अगर 12 13 का स्क्वायर करते हो भोला तो 12 का स्क्वायर कर दो आप प्लस 13 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 9 4 13 6 4 10 है ना, 6 4 10 11 1 2 1 3 हाँ सर, मतलब क्या हो गया 12 का बाबू अगर दो गो कंजिक्यूटिव 12 और 13 उसका स्क्वायर करोगे उसके बाद जोड़ोगे तो कितना आएगा 313 आएगा, मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा सर 12 तक, तो ऐसे हम सोचेंगे, इतना तेज हो जाएंगे तो बातें नहीं है, तो ऐसे नहीं करना आपको इक्वेशन से करना, ऐसे करना करोगे तो हम लोग पढ़े ले तब ना बाबू याद रहता है, तो ऐसे नहीं ना सोच सकते हो, तो कैसे सोल्व करोगे तो इक्वेशन से करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, कह रहा है दो गो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो लेट द टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मानोगे, यहाँ पे आपको सीखना है थोड़ा सा, क्या सीखेंगे बाबू, लेट द भोला लेट द टू कंजिक्यूटिव, लेट द टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर बी, अगर एगो एक्स मानते हो दो गो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर मान, तो एगो एक्स मानोगे तो दूसरा क्या मानोगे सोचो, यही सोचना, अगर आपको दो गो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एगो एक्स हो गया तो अगला अगला बहु नेचुरल नंबर कौन सा होगा है ना, प्लस अगला कौन सा है ना, एगो एक्स है सर, तो अब सोचो नेचुरल नंबर क्या होता है सर 10 11 12 13 14 15 16 17 यही होता, मतलब बाबू 10 से अगर है तो कहेगा इसका अगला नेचुरल नंबर कौन होगा 11 होगा, 11 का अगला नेचुरल नंबर कौन होगा 12 होगा, मतलब 10 में कितना ऐड कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो ना जी, 10 में 1 ऐड करके अगला नेचुरल नंबर आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर रहे हो अगला आ रहा है ना, ठीक, मतलब अगर बाबू आपको कोई एगो नेचुरल नंबर दे दे, एगो नेचुरल मान लो 9 9 दे दे, कहेगा अगला नेचुरल नंबर कौन होगा, तो इसमें कितना ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, तो 9 प्लस 1 कितना 10 यही करोगे ना, तो एगो कंजिक्यू एगो नेचुरल नंबर मान लिया एक्स, तो अगला कंजिक्यूटिव कौन होगा, अगला कंजिक्यूटिव कैसे नंबर आएगा नेचुरल नंबर में 1 ऐड करने से ना आएगा, तो अगला क्या होगा एक्स प्लस 1 होगा, इतना ही सोचना रहता, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे है ना बाबू, यहीं पे क्या कर दो टू कंजिक्यूटिव आ गया ऑड नंबर, दो गो कंजिक्यूटिव इवन नंबर, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एगो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर रखना है, बाकी सब इसी तरह बनेगा, तो मान लिए बाबू दो गो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर एगो एक्स हो गया, तो एगो क्या होगा एक्स प्लस वन, काहे एक्स प्लस वन होगा सर, क्योंकि भोला कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लगातार होता है, एक का गैप होता है ना, तो इस एगो मान लो 5 है तो अगला 5 प्लस 1 6 होगा, एगो 10 है तो अगला 10 प्लस 1 11 होगा, अब उसके बाद करो 10 सम ऑफ बाबू अथर्व स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, मतलब इसके स्क्वायर का सम है ना बाबू, मतलब इसलिए बोलो बाबू क्या करा, इसका स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करो और उसके बाद इसको जोड़ो, कितना आ रहा है 313 आ रहा है, तो कह रहा बाबू नंबर ज्ञात करो, तो एक्स का वैल्यू निकाल दो आंसर आपका आ जाएगा, तो कैसे सोल्व करोगे ऐसे करो, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं बताएं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 3 को पकड़ के इधर लेके आओ, इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू 0 हो गया ना, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले ला बताइए किए हैं,
2x² प्लस 2x, 1 - 313 कितना, 312 इक्वल टू 0। अब यहां से बाबू x की वैल्यू निकालो, लिखो जल्दी से, है ना। तो यही आपको करना रहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बाबू, आधा पार्ट आप पहले बता दिया गया, अब इसको सॉल्व कैसे करो, दूसरे कॉमन ले लो, आपका आसान हो जाएगा। छोटका एम तो एन चलो रुको, गया वाला है। हाँ रखेंगे। ऐसा में बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू, आदित्य बाबू ऑन करो जी, काय लड़ रहा है वो, शुभ शैतान मम्मी से लड़ते रहता। ऑन है अब इसको सॉल्व करेंगे, दो इसमें कॉमन ले लो भोला बाबू, भोले संजना, दो इससे कॉमन ले लो बाबू, दो कॉमन ले लो तो 312 का दो कितना, 156, ये कितना हो जाएगा, 1² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 156 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करो भोला, या तो आप अल्फा बीटा से भी निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई करें में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होगा। 156 को तोड़ो भोला, 156 को दो को फैक्टर में तोड़ो, गुणा करने पे -156 ना जोड़े पे इतना आ जाए, तो 1² 56 को तोड़ोगे, एगो 13x हो जाएगा, एगो -12x हो जाएगा, -156 इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स कॉमन ले लो भोला, एक्स प्लस 13 हो गया भोला, -12 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 13 हो गया इक्वल टू 0, एक्स का दो गो वैल्यू आएगा, एगो -12 आएगा, एगो -13 आएगा। ऐसा में वीडियो ऑन करो जी, लिखो जल्दी बाबू अनुज, लिखिए बाबू अथर्व, इधर उधर नहीं। लाइट कम आ रहा है इसीलिए वीडियो ऑन। ए शांतनी कैसे बंद हो गया, बोली नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व करो ना जी, एक्स का कै गो वैल्यू आएगा, दो गो वैल्यू आएगा, एक्स का कै गो आएगा सर, दो गो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट भोला। तो इक्वेशन वगैरह सोल्व करना बाबू, नहीं तो बहुत फिर टाइम लग जाएगा। एक्स प्लस 13 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, एक्स -12 इक्वल टू 0, इसको 0 करो बोला, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करे ला बताइए कि इतना इक्वल टू 0 है, इसको भी 0 करोगे, एक्स -12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 12, तो -3 नेचुरल नंबर का रहा, कंजक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो निगेटिव नेचुरल नंबर ना होता, तो एक्स बराबर बाबू -13 इज नॉट पॉसिबल, इसको वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों सर, क्योंकि एक्स की वैल्यू निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 बाबू, इसलिए भोला एक्स इक्वल टू -30 नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए एक्स बराबर कितना 12 हो गया, तो एक और नंबर कितना हो गया 12 हो गया, तो अगला कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर 12 के बाद कौन होगा, 13 होगा, इसलिए बाबू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन हो जाएंगे, 12 एंड 13 हो जाएंगे, कंजिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर होगा बोला।
12 हो जाएंगे और 13 हो जाएंगे अनुच्छेद है ना। ठीक बोला, लिखो अगला देखो क्या है सर। तो ये सब बेसिक आपका है। अगला समझाते हैं। बाबू 13 नहीं ना होगा? 13 कहाँ लिखा हुआ है? बोला इसको बाबू नींद में रहता है। क्या हो कंजी की बोलो सब क्या हो बाबू? बोलो 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 बाबू, मन की जो दुविधा है बाबू दूर करो। लाभ बाबू बोलो बाबू, नेचुरल नंबर में से कंजीक्यूटिव ये 13 है बाबू। नीचे से नीचे तेरा कहा नहीं होगा बताइए। अच्छा वो तो तो इंटीजर है। हाँ इंटीजर नेचुरल नंबर ना होता बहुत। जंगल यस में बैठल है काजी? अरे शैतान, एगो नंबर 12 है तो अगला 12 के बाद अगला नंबर कौन होगा कंजिक्यूटिव में? 13 ही होगा। अरे ये 13 ये वाला नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है। और आपको दो गो नंबर बोला था, एक नंबर एक्स माने को एक्स प्लस वन माने तो 12 हो गया, तो अगला एक्स प्लस वन 13 हो जाएगा। सीधा सी बात समझो। नेक्स्ट बोला आगे समझना है। आगे क्या कर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर है ना सर? तो पॉजिटिव ऑड नंबर बाबू मैं बोला देखो क्या है। आगे बाबू आगे समझो। क्वेश्चन 61 बोला देखो बाबू गुनगुन, तो कह रहा हूँ सम ऑफ बाबू है ना, सम ऑफ कंजिक्यूटिव दू गो पॉजिटिव ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ठीक ठीक सर, देखो क्या करोगे अब समझना। लेट द बाबू टू कंजिक्यूटिव बाबू पॉजिटिव ऑड नंबर बी अगर मान लेते हैं एगो एक्स होगा तो अगला नंबर क्या होगा सोचो। अगर कंजिक्यूटिव दूगा पॉजिटिव ऑड नंबर इंटीजर है ना जी, तो एगो अगर एक्स मान लेते हो तो अगला क्या होगा? एक्स प्लस तो नथर बाबू, अगर एगो ऑड नंबर एक्स है बोला तो अगला क्या लिखेगा बाबू अथर? देखो टू सर। बोला पॉजिटिव ऑड नंबर है ना बोला, तो ऑड नंबर कौन होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 15 होते हैं, यही ना होता है जी? इन्हें करेगा तो 3 होगा, 1 होगा, यही सब होते हैं ऑड इंटीजर। कंजिक्यूटिव कह रहा है दो गो कह रहा है, तो दो गो इरा में कोई भी सिलेक्ट करो। तो जो भी ऑड इंटीजर है बाबू कितना, 1 में कितना ऐड करोगे कि अगला आ जाएगा 2? अगला बाबू 3 में कितना ऐड करोगे कि 2 आ जाएगा? भले 5 आएगा, 5 में कितना ऐड करोगे कि 7 आएगा 2? मतलब बाबू जो भी कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला तो पीछे वाले में 2 ऐड करने से आगे वाला आता है। हम यहाँ पे बाबू ऑड नंबर यही है ना, तो करा 2 कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो एगो अगर आपको दे दे कहेगा ऑड इंटीजर 13 है तो कहेगा अगला कौन होगा? तो कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं ना, हर एक में पीछे वाला में 2 2 ऐड करते चलो अगला आते चलेगा। एगो अगर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर एक्स है तो अगला कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बात पचता है तो अच्छी बात है, नहीं पचता फिर भी जबरदस्ती पचाओ क्या करोगे? अब दिमाग कमजोर है तो बोला
कंजिक्यूटिव जो ऑड इंटीजर है बोला, एक तीन पांच सात तो कितना का गैप है, दो दो ये का गैप है, तो पीछे में दो ऐड करोगे आगे आएगा, पीछे में दो ऐड करोगे अगला आते जाएगा। तो एक वो ऑड बाबू आपको एक्स दे दिया तो इसमें दो ऐड करोगे तो अगला आ जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, बोला करा इसका स्क्वायर का सम दे ले है 514 दिया हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे, बोला इसके स्क्वायर, किसका बाबू अथर बाबू, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम कितना अथर 514। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब इसको एक्स की वैल्यू सोल्व करो, निकालो, आंसर लूटो, तो यही तो करना रहता। जल्दी करो जी, लिखो बोला। तो यही आपको स्टेप फॉर्मेशन करना, यही सीख गया तो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बताइए किए सोल्व करेला। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर अथर बाबू टू टू कितना, फोर एक्स प्लस फोर बोला बराबर 514। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैं शैतान टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस फोर बोला माइनस 514 इधर आ जाएगा जीरो। टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स 510 चार माइनस इतना 510 हो जाएगा इक्वल टू जी। अब एक्स की वैल्यू खुद निकालो, दो कॉमन लेकर निकालो, आपको आसान थोड़ा लगेगा। मयंक बाबू वीडियो ऑन करो ना जी, मयंक या दिल से ऑन करो, शांति नहीं बोली ऑन की जेल, अब से ऑन करो बाबू। वह देखो जिंदगी जी रहा है लव शैतान, इसीलिए बंद के लिए रहता है। अब यहां से दूसरे कॉमन ले लो बाबू, भोली संजना ये वो बात है कि शैतान पढ़े चाहे संजना ना पढ़े, 510 का आधा कितना 205, लेकिन बेचारी बैठल रहती है शांत से। लिखती हो संजना भोली कि नहीं लिखती हो भोली संजना? सर लिखते हैं। अच्छी बात है, थोड़ा सा मम्मी दीदी का बात मान लो बाबू, संजना पापा जी तो नहीं है भोली, तो मम्मी दीदी का बात मान लो तो जिंदगी सवर जाएगा। दो से इधर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टू जीरो हो जाएगा। तो इसको आप खुद करो, हमको कितना थकाओगे, यहाँ खुद निकालो एक्स की वैल्यू, जल्दी से निकालो, निकालो तो थर बाबू एक्स की वैल्यू निकालो, दी तो बाबू एक्स की वैल्यू पांच सौ दस का आधा 205 होगा, कैसे 205 होगा, 255 255 हो जाएगा, 500 सही बात है बोला, ये सब गलती आप लोग मत कर। जल्दी लिखो अगला समझाते हैं सर, इसका आंसर 15 और 17 आएगा सर। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा, 15 और 17 आ रहा। हाँ सर, यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ रहा बाबू, 15 17 आ रहा, लगता है गड़बड़ कर, एक्स बराबर 15 आएगा और यहाँ से निकाल 17 आएगा जी। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रहा जी, हाँ सर निकल दिए जी, एक्स की वैल्यू सोल्व करने पे क्या आ रहा बाबू, एक्स की दो गो वैल्यू आएगा ना जी, जल्दी बोलो बाबू, बोलो थर बाबू। सर एक्स की वैल्यू सर एक 15 एक -17 आएगा सर, माइनस 17 को लीजिएगा तो है नहीं, यहाँ एक्स की वैल्यू बाबू दो गो आएगा, एक गो आएगा माइनस 17 और एक्स की वैल्यू 15, तो निगेटिव नहीं लेंगे सर, क्वेश्चन में कह लिया ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या करा पॉजिटिव करा, तो ये तो नहीं लोगे, तो एक्स की वैल्यू 15 हो जाएगा बोला। तो एक नंबर 15 अगर आपका आ गया तो अगला बाबू कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन होगा, 70 हो जाएगा, इसलिए बाबू अगला जो नंबर होगा इसलिए बाबू कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन सा हो जाएगा, अरे वो एक्स है दूसरा एक्स प्लस टू है, वो 15 है 15 प्लस 2, कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर जो हो गया
15 हो गया और 17 हो गया, यही हो गया बोला। आगे समझो, मल्टीपल अब ऐसा बाबू ऑड कहे, इवन कहे, नेचुरल कहे, कुछ कहे, इसी तरह से करना बस। आगे मल्टीपल वाला की कहानी सुनना है, मल्टीपल की अब कहानी सुनो, आओ सुनाए मल्टीपल की कहानी, बेसिक कॉन्सेप्ट अब पकड़ो, क्वेश्चन सोल्व होगा ही होगा। मल्टीपल मीन्स क्या होता है थर बाबू, पहाड़ा होता है भोला, क्या होता है बाबू, पहाड़ा होता है, पहाड़ा मीन्स टेबल होता है प्रधान। ए मयंक सो गया जी, लिखा मयंक बाबू? यस सर। सुबह सुबह डाटा देख के खत्म कर दिया बाबू, डाटा बाबू मोबाइल देख के देख के जी। सुबह ही ले लेता बाबू मोबाइल, सुबह ही मम्मी से मांग लेता जी। नो सर। शैतान है बाबू, टेंथ है बोला, अब 2 महीना नहीं है देखेगा तो क्या हो जाएगा जी। अब बढ़िया मार्क्स आ गया बाबू तो सब कहेंगे देखिए फलना जी के बेटा इतना मार्क्स लाया, आज जहां जो खराब मार्क्स आया था फिर बेइज्जती हो जाएगा। 2-3 महीना नहीं है देखोगे मोबाइल तो जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है बाबू कि आपका जिंदगी सुधर जाएगा। आगे बाबू आओ सुनाओ मल्टीपल की कहानी। देखो मल्टीपल की कहानी क्या कहता है बाबू, पहाड़ा। तो अब ऐसा वाला क्वेश्चन बाबू, 3 का मल्टीपल कहे चाहे 4 का कहे चाहे 7 का कहे चाहे 8 का चाहे कहे चाहे 10 का कहे चाहे 50 का कहे, सारे का एक ही गीत गाना है। मन से पढ़ना बाबू अथर्व से काम। क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज बाबू 648। मतलब बाबू दो गो ऐसा बाबू हमको बाबू 3 का मल्टीपल वाला नंबर बताओ जिसको गुना करने पे कितना आ जाए, 648 आ जाए। बात समझ, दो गो हमको वैसा बाबू 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल मतलब 3 से डिवाइड वाला नंबर बताओ जिसको दोनों नंबर को गुना करे ना तो 648 हो जाए। क्वेश्चन ये कर रहा, तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, शांति से समझना है ना। मल्टीपल भोला, तो मल्टीपल क्या होता है बाबू, जैसे 3 है तो 3 का मल्टीपल बाबू 3 1 जा कितना 3 है बाबू, तो 3 को लिख सकते हैं भोला 1 मल्टीप्लाई 3। अगर 6 है 3 का मल्टीपल्स कौन कौन होगा, 3 होगा सर, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, समझते चलना, 18 होगा, 21 होगा, आगे यही ना बाबू। 3 का मल्टीपल मतलब वह नंबर बाबू जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से कट जाए, है ना। तो मान लो ये सब सारे के सारे क्या 3 का मल्टीपल है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, शांति से समझते चलना। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3। 12 को लिए क्या लिख सकते हैं, 4 into 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 3। 16 को 6 into 3, और बाबू क्या है 17 7 into 3, है ना। बात तो समझ में आता, इसको थोड़ा उल्टा कर दो, 1 into 3 को 3 into 1 कर दो ताकि समझाने में आसान हो गए, 6 को 3 into 2 लिख दो, इसको 3 लिख लो, इसको 3 into 4 लिख लो, है ना, समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 into 6 कर दो और 3 into क्या कर दो, 7 कर दो। बात समझ में आता है ना, मतलब क्या सर, 3 का कोई भी मल्टीपल अगर आपको दे दिया जाए तो उसके आगे में की रहेगा, 3 तो रहबे करेगा। बात समझो, 3 का कोई भी नंबर आप लिख लो जो 3 से डिवाइड हो तो डेफिनेटली वो 3 का मल्टीपल रहेगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, इधर कुछ नंबर रहेंगे। बात समझ में आता है, सोचो सोचो। इसी तरह से 3 का मल्टीपल पे क्वेश्चन आवे चाहे 4 आवे चाहे 6 आवे चाहे 7, सबका वैसे बनाएंगे। अगर 3 का मल्टीपल कह रहा है तो लेट द बाबू 2 कंसेक्यूटिव कह रहा जी, लेट द, है ना, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, लेट द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज, यहीं पे समझना बस बाबू, यहीं पे समझना, लेट द बाबू
लेट द टू कंजिक्यूटिव, समझना शांति से, लेट द टू कंजिक्यूटिव बाबू, टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ थ्री इज, क्या लिखेगा, है ना, यही सोचना है। ये सोच लिया उसके बाद तो कुछ नहीं बाबू, दो का कंजिक्यूटिव मल्टीपल थ्री का प्रोडक्ट कर देगा दोनों का, 600 है ना बाबू, 48 का इक्वल कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो अब लिखिएगा कैसे, समझना शांति से। तो इससे बाबू बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, 3 का मल्टीपल कहे, 4 का कहे, 5 का कहे, 6 का कहे, 7 का कहे, 8 का कहे, 10 का कहे, सारे का एक ही तरीका। देखो 3 का मल्टीपल जब भी कोई नंबर होगा तो उसमें 3 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 3 का मल्टीपल नंबर कुछ रहेगा भोला, उसमें 3 तो रहवे करेगा, बात समझ में आता है, 3 के मल्टीपल जो भी नंबर रहेंगे उसमें 3 क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अब बाकी बाबू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो समझना, लेट द मल्टीपल ऑफ थ्री, लेट द टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ थ्री इज बाबू, पहला नंबर क्या होगा, 3x होगा, शांति से समझना कैसे सर। अरे 3 के मल्टीपल में 3 तो रहवे करेगा, है ना, और एक्स की जगह क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, एक्स की जगह यहाँ कुछ हो धरो, 50 60 70, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 3 से क्या होगा, डिवाइडिंग होगा। तो लेट द मल्टीपल ऑफ नंबर बाबू मल्टीपल, लेट द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ थ्री इज 3x। देखो अगला और कौन होगा, कौन बोल देगा, कौन बोल देगा, कौन बोल देगा, कंसेक्यूटिव का 3x+3 क्या होगा थर बाबू, कौन बोलेगा, एगो अगला बाबू कंजिक्यूटिव मल्टीपल कौन होगा जी, बोलो थर बाबू, बोलो बाबू उसे गुनगुन, तो एगो सर, 3x+3 3x+3। देखो एगो तो हमारा कंजिक्यूटिव मल्टीपल 3 का पता चल गया सर। अब बाबू मान लो बाबू ये है, शांति समझना, मान लेते सर हमारा एगो ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो इसका अगला बाबू मल्टीपल कौन आएगा, 3 का मल्टीपल अगला कौन होगा, तो इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 होगा, मतलब बाबू पुरानके वाले मल्टीपल में कितना कर दोगे। अरे मान लो बाबू आपको एक मल्टी है ना, शांति समझना, मान लो बाबू कोई नंबर दे दे 9, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, 9 में 3 कर, 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं करोगे, अब कह रहा है इसका कंजिक्यूटिव अगला 3 का मल्टीपल, तो 9 में कितना ऐड करोगे, 3 तो 12, तो 3 जो नंबर है में कितना ऐड करोगे, 3, मतलब वो अगला जो कंजिक्यूटिव मल्टीपल होगा जो नंबर वह है 3x जो है तेरा में कितना ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दो, बात बचता है जो भी मल्टीपल है, मान लो 18 है, अब इसका कहेगा अगला मल्टीपल 3 का, तो 18 में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे तो 21 होगा, तो जो 3x था और हमें 3 ऐड कर दिया, बात हो गया। अभी दोनों का प्रोडक्ट दिया हो 648, बोलूंगा ये दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हो, तो 648 दिया, तो यहाँ 3 का मल्टीपल कहेगा, अगर 4 का मल्टीपल कहेगा तो कैसे लोगे, 4x करोगे, 4x+4 करोगे, 5 का मल्टीपल कहेगा तो कैसे करोगे, 5x करोगे, 5x+5 करोगे, 6 का कहेगा तो 6x करोगे, 6x+6 करोगे, 10 का कहेगा 10x करोगे, 10x+10 करोगे, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। अब प्रोडक्ट दोनों को निकालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, आंसर लूटो, समझी गुनगुन। यस हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही होता, तो यहाँ से बाबू 6 7 8 जैगो क्वेश्चन बनाते रहो, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, दोनों का प्रोडक्ट भोला 3x × 3x+3 बराबर 648। अब यहाँ से सॉल्व करो, आंसर लूटो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x² हो जाएगा, +9x हो जाएगा थर बराबर 648, पकड़ के इधर लाओ थर, बोला 9x² + 9x - 648 = 0। अब इसमें से 9 कॉमन होगा, 9 से कटेगा, 9 7 63 9 2 18, 3 9 से कट जाएगा, तो कॉमन लेके करोगे ना छोटा, तो फैक्टर करने में आसान होगा, तो इसको अपना करो बाबू जल्दी से अनुज, 9 पहले कॉमन ले लो, 9 से नहीं आता बहुत, 9 से डिवाइड कर दो सब में, अरे सारे में नहीं कॉमन लेना होता था, 9 से डिवाइड कर दो, क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये भी 9 का मल्टीपल ही है, तो डिवाइड बाय 9 सब में कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी लेफ्ट राइट साइड में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, है ना, तो डिवाइड बाय 9 करोगे भोला, तो 100² + 1 और ये 664,
9 7 63 9 2 18 इक्वल टू 0। अब इसको एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू निकालो जी यहाँ से, जी नहीं निकलेगा बाबू तो चुल्लो भर पानी लो। जय श्री राम। 18 है एक्स का वैल्यू सर, 8 और -9 एक्स का यहाँ से 2 को वैल्यू आएगा। कौन कौन 2 को आ रहा है? वो 8 आ रहा है, वो -9 आ रहा है। एक्स बराबर 8 आया एंड एक्स की वैल्यू -9 आया, तो -9 नहीं होगा सर का, 3 का मल्टीपल में निगेटिव ना पॉजिटिव के लिए, तो ये हो जाएगा है ना भोला सर। पॉजिटिव बोल तो नहीं रहा है सर। हाँ भोला पॉजिटिव नहीं बोल रहा है भोला, तो हम लोग जनरल तीन का पहाड़ा पढ़ते बाबू, तो माइनस वाला नहीं ना पढ़ता है जी। तीन का पहाड़ा में बाबू मल्टीपल मतलब टेबल वगैरह, तो माइनस वाला नहीं पढ़ते। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 8 आया ठीक सर। तो इसलिए मल्टीपल ऑफ 3 कितना? 3x है। क्या है? 3x है, तो 3 × 8। मल्टीपल में नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए बाबू मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा बोला? मल्टीपल ऑफ 3 तो कितना है सर? 3x है, 3 × 8 बोला, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एंड 3 × 8 + 3 तो 27 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा बोला, 3 का मल्टीपल्स कंसेक्यूटिव मल्टीपल। जनरली बाबू आपको अगर नहीं बोल रहा बोला है ना, तो मल्टीपल्स में पहाड़ा में हम लोग निगेटिव नंबर नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बोला द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज, इसको अपने से बना बाबू जल्दी से, सेम क्वेश्चन है सर। एक्स एक्स प्लस थ्री भी तो ले सकते थे, क्योंकि एक एक्स ले लेंगे मल्टीपल ऑफ 3x ले लेंगे, तो अगला मल्टीपल जो भी होगा एक्स प्लस थ्री होगा, वैसे भी करके 24 और 27 ही आएगा। हाँ वैसे करके भी आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू अगर खाली कंसीडर करते बोला है ना बाबू, अब भाई देवी x की वैल्यू 2 आ गया तो दुर्घटना घटित ना हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू आप कुछ हो रखो, जैसे x की वैल्यू 8 आ गया ना जी, तो 8 तो नहीं ना बाबू, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। तो आप वो इसे भी ले सकते हो, काम चलाओ सही है, लेकिन 3 का मल्टीपल में जो भी है बाबू 3 से मल्टीप्लाई होता है ना। तो नंबर काट देगा सर, लिखेंगे तो एग्जाम में तो हो सकता है बोला, चूंकि 3 का मल्टीपल में आपको 3 दिखना चाहिए, यहाँ 3 का पहाड़ा कोई भी लिखो ना, सब में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 3 नहीं वे करेगा, इधर कुछ भी रहेगा, इसीलिए यहाँ 3 लिया गया। तो उसके मूड पे डिपेंड करता, आंसर खाली चेक करेगा टिक मार देगा, अब पूरा चेक करेगा तो काट भी दे सकता है। द सम ऑफ बाबू स्क्वायर ऑफ 2 कंजक्यूटिव नंबर वाला जो भी एक जैसा, उसको हम लोग एक जगह पढ़ लेंगे, 2 कंजक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। इसको जल्दी से बनाओ तो कौन बनाता है मल्टीपल ऑफ 7 इज 637 फाइंड द मल्टीपल्स। जल्दी कीजिए कौन बनाता, जल्दी करो बाबू, वही सेम चीज बाबू, 7 का मल्टीपल कर रहा है, कैसे लगा मयंक शैतान, जल्दी करो अदित बाबू, करो तो अदित बाबू, 7 का मल्टीपल लेने का रहा, फिर 8 का कहेगा 9 का कहेगा, तो उतना हम लोग करेंगे, एगो दुगो कर लो, बाकी सबका वही तरीका। जल्दी करो गुनगुन अथर बाबू, जल्दी करो बोला, होमवर्क दे दी ऐसे दान किया जी, होमवर्क दे दीजिए, करो ये नींद इसको आ रहा।
जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए बाबू। कितना है गुनगुन अथर्व बाबू, कितना है जी? नंबर वाला बाबू 2 क्लास लगे जाएगा, 2 ढाई क्लास वाला। ये नंबर से रिलेटेड है, फिर एज वाला आएगा, फिर स्पीड टाइम वाला आएगा, है ना? तो नंबर से रिलेटेड जितना सब एक जगह कर लेंगे। कितना आया कितना आया कितना बाबू बोलो बाबू। -3 और x = 2 एक्स बराबर -3 और x = 2 -3 और एक्स बराबर 2। यस तो आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा भोले। इसलिए सर आंसर कितना हो गया भोले? 2 बाबू। सर तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीपल पूछ रहा है सर। हाँ भोले, आंसर खाली 2 लिख दोगे भोले तो काटिए देगा जी, मेहनत तो बेकार हो जाएगा। लेट द मल्टी टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज, ऐसी खाने करनी होगी 3x की जगह 7x, और यहाँ पे कितना करेंगे 7x आप प्लस 7 करेंगे, वही गीत गाएंगे। 7 के मल्टीपल में 7 रहवे करेगा सर। अरे मल्टीपल 7 का पहाड़ा पढ़ो ना, 7 का 7 × 14 7 × 21 मतलब 7 सारे में रहेगा। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करके x की सर एक्स वैल्यू की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 आएगा, x की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। मल्टीप्लाई करो बोला 7x × 7x + 7 बराबर 637 है ना? ठीक सर, अब इसको गुणा सुना करो, आंसर लूटो। 7x² हो गया आप प्लस 49x हो जाएगा थर बाबू, प्लस कितना हो जाएगा थर 49x हो जाएगा बराबर 637। यहाँ भी 7, एरा में भी 7, एरा में भी 7 है। 7x² बोला 49 7 थर - 637 = 0। सर 49x² होगा ना सर? अरे मेरे, सर हाँ वो सर सर पहली बार सर स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर होगा सर दोनों। भी भी तो तो होगा। हाँ बाबू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर रहा, मैं प्रोडक्ट नहीं कर रहा। हम पिछले के क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बाबू क्या मल्टीपल ऑफ ये, तो इसका स्क्वायर करो। हमको पिछले के इसका क्या करेंगे बाबू, मेरा थर्व स्क्वायर करके सम करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे बाबू आप प्लस इसका स्क्वायर करके सम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे भी करेंगे तो बनेगा भोला। तो वहां प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट था, इसको स्क्वायर क्वेश्चन जो करा वही कर दे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। अब इसको तोड़ा था 90x² a + b के होल स्क्वायर, तो 19x² आप प्लस बाबू 7 × 4 = 98x आप प्लस 49 = 637। अब इसको सिंपलीफाई करो, आंसर लौटा 49 49 98x² हो जाएगा, 98x हो जाएगा। अब प्लस कितना हो गया 49 हो गया -637 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। तो एक्स की आके भाई लो 49 - 637 कितना होगा जी बोलो बाबू, 49 - 637 कितना होगा? 588 सर। 588 = 0। देखो तो 98 से मरता है जी, 3 बार में 4 बार में, ये सिंपलीफाई हुआ था, सिंपलीफाई कर 6 बार में सर, एक 2 बार में कर लिया, 6 बार में कटेगा, 6 बार में 12 बार में, हाँ 14 बार, बारह 44 14 456 और 2 14 बार में काट जाए, ये सही होगा बार का नंबर से काटो ना, 7 से भी कटेगा 14 से भी कटेगा, 14 से सारा कट जाएगा। सर। 98 ही से कट जाएगा सर, 98 से 98 से कट जाएगा सर, 6 बार में बोल रहा हूँ। काटो,
डिवाइड बाय बाबू 98 से कट जाएगा तो कर दो भोला, डिवाइड 98 बाबू, डिवाइड बाय 98 बोथ साइड, पूछो इसमें करना है जी कि नहीं बाबू, अगर कोई कॉमन नंबर होगा बाबू दोनों साइड डिवाइड कर दो। बोथ साइड क्यों करना है? जब भी बाबू इक्वेशन में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड परफॉर्म करना। खाली करोगे तो भले इधर जीरो है बाबू, तो वैल्यू जीरो होगा वो अलग बात रहे, अगर इधर जीरो सर इससे बढ़िया कॉमन लीजिए ना सर, कॉमन भी ले सकते हो बाबू। अरे बहुत सारा बच्चा को कॉमन लेवे ना आता, कॉमन भी ले सकते हो 98, नहीं तो बाबू अगर डिवाइड करोगे तो दोनों साइड करना है गुणगुण, है ना, एक के साइड करोगे तो गलत। मान लो इधर बाबू 90 के जीरो के जगह ये 2 रहता, तो एक के साइड डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा गुणगुण, भला ही बोल देते हैं। अगर जीरो है तब ना बाबू काम चल रहा है, लेकिन जीरो के जगह दूसरा नंबर रहेगा तो गलत हो जाएगा। आप कॉमन भी ले सकते हो बाबू, तो डिवाइड करोगे भोला बाबू तो कितना हो जाएगा जी, ये 98 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 4 बार में मरेगा जी, 9 4 68 64, कितना बार में मरेगा बाबू? 6 बार में 48, 6 बार में इक्वल टू 0। अब यहाँ से बाबू इसको फैक्टर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना सोल्व करेगा बाबू, तो x की वैल्यू एगो x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर माइनस 3 आ जाएगा, तो 7 के मल्टीपल में निगेटिव नहीं लेंगे, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये आंसर होगा। पहले बाबू काट देगा आपको 7 का मल्टीपल लिखना शांत नहीं, तो x बराबर 2 तो 7 7x है ना जी, तो मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 2 × 7 14, और अगला जोड़ दो हैं 21 14 है, 21 हो जाएगा, लिखो बोला एक्स एक्स प्लस 7 लेंगे तो भी उतना ही आंसर आता है डायरेक्ट आ जाता है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, एक्स ले लेगा एक्स प्लस 7 भी कर देगा तो हो जाएगा। लिखो तर बाबू आदित्य भोला, तो इसमें 2.5 क्लास लगेगा बोला, इसके बाद बाबू आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 5 बढ़ा दे डिनोमिनेटर में 10 घटा दे तो फ्रैक्शन इतना हो जाता है, उस टाइप का फिर कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है। जाए सर ठीक है, जाओ जी लो जिंदगी आप लोग।